आग लगी आकाश में हर कोई हैरान, तड़प रही है धर्म की धरती, क्या होगा भगवान, तड़प रही है धर्म की धरती, क्या होगा भगवान। ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना बदल रहा इंसान। कौन है आप और आपका परिचय? लो अब ये तीसरे महाशय भी आ गए, अब तो अपना अपना परिचय हम तीनों को देना होगा। मेरे हुक्म से सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाता है, मेरे हुक्म से पवन देव ठंडाता है, गर्माता है, बुझवाया हूँ सारी दुनिया से, नहीं इंद्र या पवन है, मैं हूँ दुनिया में महाबली, मुझसे बढ़कर कौन है। चल थल नभ में मरू नहीं ना मरू मैं, घर में ना बाहर, अस्त्र शस्त्र मुझे मार सके ना, ना मारे मुझे देव नर नाहर। मैं मरू नहीं दुनियावी ताकत से, मर नहीं सकता, अमर हुआ मैं बन बैठा भगवान, मैं ही सतयुग का हिरण्यकश्यप हूँ। अब आप अपना भी परिचय दीजिए। मैं हूँ वह जिसने कीर्पत को गरुड़ाई गेंद बना दी है, मैं हूँ वह जिसने शीश काट शिव को माला पहना दी है, मैं हूँ वह जिसकी शक्ति को दिग्गज दिग्पाल जानते हैं, मैं हूँ वह जिसकी महिमा को सुरराज शेष पहचानते हैं, मैं हूँ वह जिसके चरने से धरणी तरणी सी हिलती है, मैं हूँ वह जिसकी आंखों से चमकी भी आंख मिलती है, सुर असुर मुनि जीत डाले अपने इन बाहु विशालों से, इंद्र से हुजूरी करवा ली जल फराल या दिग्पालों से, दुनिया में कौन वीर ऐसा जो मेरे आगे से दुना नहीं, क्यों भाई अनजान बने रावण का नाम आज तक सुना नहीं। अब तो आप जान गए होंगे मैं ही त्रेता का दशकंधर हूं। तो आप भी अपना परिचय दे ही दीजिए। मेरे समान है कौन बलि जो निष्कंटक राज्य चलाया है, राह का काटा निकाल मैंने गद्दी अपनाया है, हथकड़ी पिता को लगवाया, बहन को जेल भिजवाया है, हत्या करवाई मासूमों की, मैं ऐसा वीर मतवाला हूं तो चार योद्धाओं की कौन कहे, अनेकों योद्धा भिजवाया हूं, मृत्यु से मैं क्यों पाया अच्छे वरदान नहीं,
हंस मामा है नाम मेरा, मुझसे कोई अनजान नहीं, मैं ही द्वापर का कंस। महानायक यहाँ मृत्यु लोक में क्या गुल खिला रहे हैं? देवर्षि नारद, सुना था कलयुग में अत्याचार अनाचार भ्रष्टाचार दुराचार चरम सीमा पर हो। हम तीनों देखना चाहते हैं कि हमारे वंशज क्या कर रहे हैं, हमारा बोया या धर्म का बीज फल फूल रहा है या नहीं। नारायण नारायण, महाराज शुभ कार्य में विलम्ब कैसा, चलिए मैं दिखाता हूँ मृत्यु लोक की घटनाओं को। चलिए देवर्ष दिखाइए। यहाँ से मृत्यु लोक में हो रहे चारों वर्णों का कर्तव्य देख सकते हैं। नारायण नारायण, महाराज आप पहले ब्राह्मण की क्रियाकलाप को देखें। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। तो श्रोताओं, आज किस प्रकरण पर प्रवचन सुनना चाहते हैं? गुरुदेव, जात पात ऊंच नीच की भावना से यह समाज ग्रसित है, नारी का सम्मान भी नहीं हो रहा है, इसी विषय पर प्रवचन सुनाएं तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है श्रोताओं, प्रेम से श्रवण करो। जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ग्रंथ बतलाते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, हरि का भजे सो हरि का होई, हरि का भजे सो हरि का होई। इतना ही नहीं, आप लोगों ने तो शिवरी की कहानी तो सुनी ही होगी, और भगवान राम ने शिवरी के यहाँ जूठे बेर खाए थे और उन्होंने नारी जाति का सम्मान किया था। इतना ही नहीं, जब शिवरी ने जाति पात की बात उठाई तो आपने समझा कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या कहा था? क्या कहा था गुरुदेव? प्रभु श्री राम ने कहा था, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहै कैसा, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। अब आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त होता है। सुना हो सतीश के अम्मा, पंडित जी का उसरा पर का खेत जोते जाए के बा, घर से बड़ा दूरे बाटे, हम जातनी। ए बाबूजी, हम बहुत चलब तो साथे। नहीं बेटा, हमार लाल तू मत जा, घर से बहुत दूर बा, जब पनियों मिलल दुश्वार बा। नहीं
जिद मत करो बेटा। अच्छा ठीक है बस, जब कह तड़ा तो चलो हम तो लेके चल। अच्छा हमारे लाल हम जातन बाबा जी से कहतन, बाबा जी हमारे लाल के तन पानी पिया दें। बाबा जी हमारे ललऊ बड़ा पियासल हूँ बाबा जी। अरे नीच, तुम्हारे खानदान ने भी कभी ब्राह्मण के लोटे से पानी पिया था? ऐसा मत करी बाबा जी। बाबा जी हमारे ललऊ के तन पानी पिया दें, बहुत जोर से पियासल हूँ, पियासल मर जहन हमारे ललऊ। अरे नीच बाबा जी, राम 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 राम, मुझे मत छूना, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। ऐसा मत करें बाबा जी। अरे राम राम राम। धरती अग्नि जल कनही कौन जतिया, धरती अगिना जल के नाही कौनो जतिया, आज खेल देखली अजीब हो, आज खेल देखली अजीब हो। गोसैया बचैया परनवा, तुहाई गोसैया बचैया परनवा, ना तो मारी जही मोरे सती सहो, ना तो मारी जही मोरे सती। अरे बाबा, अरे बाबा, राम लड़के साफ कट ले हो, बेहोश हो, जल्दी चला। हाँ? अरे मेरे लाल, अरे अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल, अरे कोई है, कोई है दवा दुआ करने वाला? अरे बाबा हरवावा सांप कटले का दवाई दे ला। चलो मनोहर जल्दी चलो, जल्दी चलो। भिखारी राम, ए भिखारी राम, भिखारी राम, ए भिखारी राम, अरे भैया भिखारी हो? अरे कहाँ बाबा जी, बड़ा घबराए बनी। अरे भैया भिखारी, हमरे ललऊ के जान बचाला, हमरे लइकवा के सांप कट लेबा। चली है बाबा, चली हम चलत तनी। ए बाबू उहा ना हमरा वदिन मा जन हमें पानी ना पियौले रह जा। तो बेटा ना कहल जाला, केहू को उपकार कर देल जाला। बेटा मत जा। जय दे बेटा, जय दे लाल, जय दे, केहू के जिंदगी बचावल अच्छा काम होला, पुण्य का काम होला। जय दे। चली बाबा चल। अरे हमार भैया भिखारी हो, हमरे ललऊ के बचाला, हमरे ललऊ के साफ कटले हो। बाबा जी आप घबराई मत, एक ठो काम करी बाबा जी, हमके एक लोटा पानी दे दी। लोटा के पानी के कौन बात बा, थरिया के जरूरत होखे तो दे। बाबा जी हम आपको लोटवा कैसे छुई बाबा जी? अरे भैया
कौनो तरह से लड़का के जान बचा ली, फरिया के जरूरत होके तो दे। ठीक बा बाबा जी। महाराज, आपने तो वह कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते। यह समाज का अगुआ कर क्या रहा है? यह ब्राह्मण तो पथ भ्रष्ट हो चुका है। कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ना इसे ब्रह्म विद्या की जानकारी है, ना ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान कर रहा है। आपने तो ब्राह्मण धर्म को बर्बाद कर दिया। नारायण नारायण महाराज, क्षत्रिय धर्म की बर्बादी नहीं देखना चाहेंगे महाराज? क्यों नहीं देवर्ष, उसे भी दिखाइए। ठीक है महाराज, अपनी नजर उस तरफ दौड़ाइए। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आंख के सुरमों और हाथ पैर के गहनों, मुझे अपना परिचय क्या देना है? जैसा कि आप लोग खुद जानते हैं, दाढ़ी साफ, मोछ साफ, कुर्ता साफ, पैजामा साफ, नेक साफ, ईमान साफ, अरम साफ, कर्म साफ, धर्म साफ, सब कुछ बिल्कुल साफ। सब कुछ त्याग कर मैं बना हूं नेता त्यागी राम। मेरा काम जाल बिछाओ, मुर्गा फसाओ, मूर्ख बनाओ, देश बचाओ। भाइयों और बहनों, ये बहुत तत्परवादी नेता है। इनके मन में जो आता है वह कह देते हैं। इनकी बातों को बुरा मत मानिए। भाइयों और बहनों, आप लोगों के बीच में सुप्रिया बहन जी आ गई है। आप लोग उनके भाषण को सुने और लाभ उठावें। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, जय हिंद। हमारी प्रिय जनता, जय हिंद। इस समाज में जब तक भ्रष्टाचार, घूसखोरी, छुआछूत कायम रहेगा, तब तक हमारी जनता खुशहाल नहीं हो सकती। कुछ सामाजिक तत्व ऐसे हैं जो गरीबों की झोपड़ी खुद जलवाते हैं और पैसे और कंबल बांटकर सहानुभूति जताते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं ईमानदार कर्मठ प्रधानमंत्री से कहकर इन सभी पापी फंड को कुचलवा दूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुप्रिया जो है ना, किसी को चैन से रहने नहीं देगी। लगता है प्रधानमंत्री से कहकर हम लोगों को पार्टी से बाहर करवा देगी। जब प्रधानमंत्री जिंदा रहेंगे तब ना। कोई उपाय किया है आपने? हाँ, उपाय किया है। अच्छा,
धन्य हो, आपने तो क्षत्रिय धर्म का ही लोप कर दिया। अरे ये तो अंगरक्षक ही प्रधानमंत्री के भक्षक बन गए। धन्य हो महाराज, धन्य हो। नारायण नारायण, महाराज क्षत्रिय धर्म का लोप आपने तो देखा महाराज, अब वैश्य की करतूत नहीं देखना चाहेंगे महाराज। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ठीक है महाराज, उस तरफ देखिए। हमें नित ठगने से है काम, भज मन राम सीता राम। हमें नित ठगने से है काम, भज मन राम सीता राम। जब जब कोई गाहक आवे यहां शुद्ध माल ना पावे, शुद्ध माल ना पावे, हमें चाहिए दुगना, हमें चाहिए दुगना दाम। भज मन राम सीता राम। हमें हमें चाहिए दुगना दाम, भज मन राम सीता राम। ओ बनियौटा में, बनियौटा में समझौता नाही, बनियौटा में समझौता नाही, चाहे आपन सगा हो सगाई भाई, चाहे आपन कहे आपन हो सगा से सगा हो भाई। बीते बीते झूठ में सुबह हो शाम, भज मन राम सीताराम। हमें हमें है नित ठगने से काम, भज मन राम सीताराम। माँ, मामा करोड़ों के मालिक है, औलाद एक भी नहीं, उनका धन किस काम का माँ? तू चाहता क्या? साफ बता। मैं क्या करूँगा, तुम देखती रहो, आज ही मैं ननिहाल जा रहा हूँ। ओए मामा, मैं आ गया हूँ। अजी सुन रही हो? देखो कौन आया है, कहीं मेरा प्रिय भांजा आया है क्या? मामी प्रणाम। सदा सुखी रहो, आओ आओ भांजी। मामा प्रणाम।
सदा सुखी रहो भांजे। आओ 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 बैठो जी। सुन रही हो? हाँ जी। भांजे के लिए कुछ नाश्ता वगैरह ले आओ। मामी आज मेरे घोड़े की लीद मत फेंकिए। क्यों, क्या खूबी है? क्यों का जवाब घोड़े की लेस से ही मिलेगा। क्या है? देखो घोड़े के लेज में क्या मिला है। हैं? असली मालूम देता है। हाँ। घोड़ा बड़े काम की चीज है। ये मैं ले लूंगा। लो चलो। अरे छटंकी। हाँ मामा। अरे इधर आओ इधर आओ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना मामा? ये घोड़ा मुझे दे दो। नहीं मामा, ऐसा नहीं हो सकता। ये घोड़ा मेरी पूंजी है, इसी से मेरा सारा काम संपन्न होता है मामा। अरे इधर आओ इधर आओ। तुम जितनी कीमत चाहो ले लो, मगर यह घोड़ा मुझे दे दो। तो ठीक है मामा, आप मन चाह रकम दे रहे हैं। हाँ? तो ले लीजिए घोड़ा, 1,00,000 रुपये दीजिए। 1,00,000? हाँ। ओह, अभी दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। ये हाँ 1,00,000 रुपये। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, चलिए घोड़ा ले लीजिए। अरे एकदम खुश है, घोड़ा ले लीजिए। चलिए चलिए। माँ घोड़े को 1,00,000 में मामा के हाथ बेच दिया। क्यों 1,00,000 में? अब अपने बेटे का कमाल देखना, सिर्फ मेरे कहने के अनुसार करती जाओ करती जाओ। माँ कुछ कुछ समय मरने का सीन करो, बाकी मैं काम हर संभाल लूंगा। अरे मेरी भैया।
छोड़ के चल गेलू ये मैया। अरे मेरी मैया काहे छोड़ के चल गेलू ये मैया। हम तो नाथ तुका कह डालू ये भाई। अरे मेरे मामा, अरे मामा मामा, अरे मेरी माँ इस दुनिया में ना रही मामा, अब किसको माँ कहूँगा मामा। अरे चुप रहो चुप रहो, इधर आ इधर आ। अरे चुप रहो चुप रहो, कर्म किया तुमने, फल पा गई मेरी बहन। जैसा तुमने किया तेरे सर पर आया। चलो चलो शमशान ले चले। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। मामा एक महात्मा ने मुझे एक जड़ी बताई, जड़ी जिससे मुर्दा जी उठते हैं, मैं अब भी लेके आता हूँ। ठीक है जाओ जल्दी लेकर के आओ। मानो तो यह जड़ी हमें दे दो। नहीं मामा नहीं, तेरा पहले वाला पाप कट जाएगा और तू मनवांछित धन भी हमसे पा जाएगा। ठीक है देता तो नहीं मामा, लेकिन फिर आप मनवांछित धन दे रहे हैं तो फिर इसको भी दे देता है। हाँ हाँ, तो लीजिए जड़ी और दीजिए 5 लाख। ओह बस बस लो। अरे 5 लाख रुपए? हाँ मामा। खुश हो गए ना? अरे एकदम खुश है एकदम खुश है। ठीक है तो हम चलते हैं फिर मामा। ठीक है चलो। अच्छा पारा खुश रहो। अजी सुनती हो? क्या कह रहे हो? अब मैं अरबपति बन जाऊंगा। वो कैसे? अपने प्रिय भांजे ने मुर्दों को जिंदा करने वाली जड़ी मूर्खता बस 5 लाख रुपए में ही दे दिया। अब मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा और भारी रकम इकट्ठा कर लूंगा। ठीक है यह तो आपने अच्छा काम किया है। हाँ
क्यों ना इस जड़ी को इस पे इस्तेमाल करके देखा जाए। अजी सुन रही हो, आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम मेरी हाथों से एक गिलास दूध पी लो। ठीक है, आप इतना खुश हैं तो मैं पी ले रही हूँ। अब मैं इस जड़ी से इसको जिंदा करूंगा। अरे इस काया पर क्यों मरते हो? मन देखो मन, जब तक यह सुंदर है इसमें से खुशबू आती है, चौथेपन में इसमें से बदबू आने लगती है, कोई पास नहीं बैठना चाहता। शरीर से प्यार करोगे तो क्षणिक सुख के अलावा जीवन भर का दुख ही मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि घर बार छोड़कर साधु संन्यासी बन जाओ, लेकिन सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए परमात्मा से लगाव रखो। यह जीवन एक यात्रा है, कई यात्री रास्ते में मिलते हैं और रास्ते से ही चले जाते हैं, उनसे मोह रखोगे तो जीवन भर दुख ही मिलेगा। अच्छा भक्तजनों, अब आप महात्मा जी की मधुर वाणी से इनके संदेशों को सुनिए। नाता हरि से जोड़िए हे मन मोरे, नाता हरि से जोड़ ले हे मन मोरे। आबादी देखाय डगरिया हम तीन है लगे, हे बाबा जी के महिमा हो बाटे अजीब हो, बाबा जी के महिमा हो। सतगुरु पर एतबार करें। वाज क्या बात। इस समस्या को सुनकर न जाने क्यों मेरे अंतर मन में कुछ कुछ हो रहा था। क्या बात। इस समस्या को सुनकर न जाने क्यों मेरे अंतर मन में कुछ कुछ हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं आज तक एतबार की जगह सिर्फ एतबार के नाम का पोस्टर तो नहीं हो रहा था। हिरण्य कश्यप को देने हेतु मृत्यु दंड धारण किए थे तुम नरसिंह रूप तब। एक हिरण्य कश्यप को देने हेतु मृत्यु दंड
धारण किए थे तुम नरसिंह रूप तब, किंतु गए भूल प्रभु, मानव समाज यह बड़ा ही नकलची है। किंतु गए भूल प्रभु, मानव समाज यह बड़ा ही नकलची है। अरे आकार का नकल यह करेगा जरूर ही, विचार से इसको कुछ लेना नहीं देना है। क्या बात, बहुत। अरे आकार का नकल यह करेगा जरूर ही, हाँ। विचार से इसको कुछ लेना नहीं देना है, हाँ। कारण यही है आज शहर गली कूचों में, कारण यही है आज शहर गली कूचों में, नकल कर तुम्हारे रूप नरसिंह का, सारे नरसिंह रूप हो गए। नकल आज यही धरती की भगिया जगल बा, आज यही धरती की भगिया जगल बा, प्यार प्रीत का जहां मेला लगल बा, प्यार प्रीत का जहां मेला लगल बा, पाके संत समागम हो, पाके संत समागम सब ही का मन भोर बा, पूरे देश में भाई ले आज सोरबा, पूरे देश में भाई ले आज सोरबा, पूरे देश में भाई ले आज सोरबा। आरे निरगुना सगुना बानी, निर्गुण सगुना बानी, आर रचना रचाया, वंदे मातरम वाला पठवा पढ़ाया, वंदे मातरम वाला पठवा पढ़ाया, राम राज वाला हो, राम राज वाला सपना साकार हो, अमनिवा प्यार हो, अमनिवा प्यार हो, राम राज वाला सपना साकार हो, अमनिवा प्यार हो, अमनिवा प्यार हो। हरी पूजा हर श्वास हो, यही हमारी आस हो, हरी पूजा हर श्वास हो, यही हमारी आस हो, मन के मंदिरवा में दीना जला, मन के मंदिरवा में दियना जला के, सदगुरु चरनिया में सिरवा झुका के, सारी मानवता का, सारी मानवता का एक ही आधार हो, अमनिवा प्यारी हो, अमनिवा प्यारी हो। सतगुर दीन दयाल है, करता माला माल है, सतगुर दीन दयाल है, करता माला माल है, आओ मिलजुल के इनसे रपट लिखवाए, आओ मिलजुल के इनसे रपट लिखवाए, जन्म मरण का झगड़ा माफ करवाए, जन्म मरण का झगड़ा माफ करवाए, मानो मानो से कहीं न तकरार हो, अमनवा प्यारी हो, अमनवा प्यारी हो, मानो मानो से कहीं न तकरार हो, अमनवा प्यारी हो,
क्या कर सकते हैं जब चारों ओर अंधकार है, तो यह टिमटिमाता दीपक अंधकार को कैसे मिटा सकता है। नारायण नारायण महाराज, आप लोगों के युग में अकेले ही ईश्वरीय सत्ता ने अंधकार कायम होने से बचाया था। महाराज, इस कलयुग में भी अवतार हो चुका है, अंधकार मिटाने का प्रयास चारों दिशाओं में चल रहा है। जरा उधर देखिए महाराज। आरे निरगुना सगुना निर्गुण सगुना बानी आर रचना रचाया, बंदे मातरम वाला पठवा पढ़ाया, बंदे मातरम वाला पठवा पढ़ाया, राम राज वाला हो राम राज वाला सपना साकार हो, अमनिवा प्यार हो, अमनिवा प्यार हो, राम राज वाला सपना साकार हो, अमनिवा प्यार हो, अमनिवा प्यार हो। हरि पूजा हरे श्वास हो, यही हमारी आस हो, हरि पूजा हरे श्वास हो, यही हमारी आस हो, मन के मंदिरवा में दीना जला मन के मंदिरवा में दीना जला के, सदगुरु चरणिया में सिरवा झुका के, सारी मानवता का ये कही आधार हो, अमनिवा प्यारी हो, अमनिवा प्यारी हो। सतगुरु दीन दयाल है, करता माला माल है, सतगुरु दीन दयाल है, करता माला माल है, आओ मिलजुल के इनसे रपट लिखवाए, आओ मिलजुल के इनसे रपट लिखवाए, जन्म मरण का झगड़ा माफ करवाए, जन्म मरण का झगड़ा माफ करवाए, मानो मानो से कहीं न तकरार हो, अमनिवा प्यारी हो, अमनिवा प्यारी हो, मानो मानो से कहीं न तकरार हो, अमनिवा प्यारी हो, अमनिवा प्यारी हो, अमनिवा प्यारी हो, अमनिवा प्यार। अर्जुन को कौन सी दृष्टि से ज्ञान हुए थे? क्या ये चेहरे पे लगी हुई आंखों के द्वारा उसने दर्शन किए? अगर आंखों की ही बात हो तो आंखें तो पहले भी थी अर्जुन के पास, लेकिन पहले क्यों नहीं? कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का अमर संदेश और अनेकों अध्याय, और उसमें से जब ज्ञान का खुलासा, जब बोध करा देना,
और इस प्रकार से वो दृष्टि कौन सी मिली, वो ज्ञान की दृष्टि मिली। तो आज भी अगर भक्तजन कह रहे हैं कि हमें दर्शन हो रहे हैं, जैसे वो शायर का शेरदास अनेक को दफा दोहरा चुका है कि दीदार की तलब के तरीके से बेखबर दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। वो निगाह देवर्ष, अब हम तीनों यहां से चलते हैं, अंधकार अब कायम नहीं हो सकता, सत्य का बिगुल बज चुका है, अब अंधकार कायम नहीं हो सकता देवर्ष, अब अंधकार कायम नहीं हो सकता। नारायण 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 नारायण। अमनवा प्यारी हो, अमनवा प्यारी हो, मानो मानो से कहीं ना तकरारी हो, अमनवा प्यारी हो, अमनवा प्यारी हो, अमनवा प्यारी हो, अमनवा नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का अमर संदेश और अनेकों अध्याय, और उसमें से जब ज्ञान का खुलासा, जब बोध करा देना, और इस प्रकार से वो दृष्टि कौन सी मिली, वो ज्ञान की दृष्टि मिली। तो आज भी अगर भक्तजन कह रहे हैं कि हमें दर्शन हो रहे हैं, जैसे वो शायर का शेरदास अनेक को दफ़ा दोहरा चुका है कि दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह वो ज्ञान वाली दृष्टि। तो वो ज्ञान की दृष्टि के द्वारा ये नज़ारा लिया जाता है, इस परम तत्व को हाजिर नाजिर देखा जाता है, और ये हाजिर नाजर होने के बावजूद इसका नज़ारा नहीं ले पाते वो जो अज्ञानता में हैं, जिनको ये ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है। तो ज्ञान की दृष्टि ये मिल जाए तो इसी परिपूर्ण परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार के इस तरह से दर्शन हो पाते हैं। और फिर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। देवर्ष, अब हम तीनों यहां से चलते हैं, अंधकार अब कायम नहीं हो सकता, सत्य का बिगुल बज चुका है, अब अंधकार कायम नहीं हो सकता देवर्ष, अब अंधकार कायम नहीं हो सकता। नारायण 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 नारायण। माल है करता माला वाली है, आओ मिलजुल के इनसे रपट लिखवाए, आओ मिलजुल के इनसे रपट लिखवाए, जन्म मरण का झगड़ा माफ करवाए, जन्म मरण का झगड़ा माफ करवाए, मानो मानो से कहीं न तकरारी हो,
अमनवा प्यारी हो, अमनवा प्यारी हो, मानो मानो से कहीं ना टकरारी हो, अमनवा प्यारी हो, अमनवा प्यारी हो, अमनवा प्यारी हो, अमनवा प्यार। देवर्ष अब हम तीनों यहां से चलते हैं, अंधकार अब कायम नहीं हो सकता, सत्य का बिगुल बज चुका है, अब अंधकार कायम नहीं हो सकता। देवर्षि अब अंधकार कायम नहीं हो सकता। नारायण 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 नारायण। Thank you.